हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं सुरेंद्र सिंह आज आप सभी पीएफ मेंबर के लिए एक नई वीडियो लेकर आया। जी हाँ दोस्तों दोस्तों इस वीडियो के अंदर यदि आप अपने यूएन का पासवर्ड भूल गए हो या दोस्तों अभी तक आपको यूएन का पासवर्ड चेंज करना नहीं आता है कि आप अपने यूएन का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो उस पर किस प्रकार से चेंज करें, तो दोस्तों इसके बारे में आज आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ। ठीक दोस्तों उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ ही दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मैं आपको इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँ। ठीक दोस्तों दोस्तों अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चल पर जाकर यूएन लॉगिन सर्च करना है, मेंबर होम पर जाना है। ठीक दोस्तों उसके बाद दोस्तों जैसे ही आपकी ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट खोल के आ जाएगी उसके बाद आपको यहाँ से क्रॉस कर देना है, उसके बाद आपको नीचे चलना है। ठीक दोस्तों तो दोस्तों आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए नीचे जो फॉरगेट पासवर्ड दिया गया है इसको आपको दबाना है। ठीक दोस्तों दबाने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो इसमें आपको अपना यूएन नंबर कैप्चर कोड फिल करना है। ठीक दोस्तों तो आपको अपना यूएन नंबर कैप्चर कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर दबाना है। ठीक दोस्तों सबमिट पर दबाने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें आपका जो भी पीएफ अकाउंट में नाम है वो, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये तीनों चीज़ आपको यहाँ से फिल कर लेनी है। ठीक दोस्तों आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर फिल करने के बाद आपको वेरीफाई पर दबाना है। ठीक दोस्तों वेरीफाई पर दबाने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा, इसमें आपको कैप्चर कोड, आधार कार्ड नंबर फिल करना है। ठीक दोस्तों कैप्चर कोड और आधार नंबर फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चेकबॉक्स पर जाना है। चेकबॉक्स पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वेरीफाई पर दबाना है। ठीक दोस्तों उसके बाद दोस्तों जैसे आप आधार कार्ड नंबर आपका वैलिडेट होगा तो यहाँ पर आपका जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक दोस्तों मोबाइल नंबर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर चेकबॉक्स पर दबाना है और गेट ओटीपी दबा देना है। ठीक दोस्तों तो जैसे ही आप गेट ओटीपी दबाओगे तो आपके जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पर एक ओटीपी जाएगा। ठीक दोस्तों ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ठीक दोस्तों आपने यहाँ पर कैप्चर कोड ओटीपी फिल कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आपको वेरीफाई पर दबाना है। ठीक दोस्तों उसके बाद थोड़ा आपको वेट करना है। ठीक दोस्तों उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। दोस्तों पासवर्ड में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एक अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, एक आपका जो भी सिंबल है वो होने चाहिए और जो जो आपके डिजिट है वो भी एक मिनिमम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों एक स्मॉल लेटर भी मिनिमम होना चाहिए, ये सारी कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है तभी यहाँ पर आपका पासवर्ड आप यहाँ पर बना सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर न्यू पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड दो बार यहाँ पर पासवर्ड फिल कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों तो मैंने दोनों बार यहाँ पर पासवर्ड फिल कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर दबाना है। ठीक दोस्तों जैसे ही सबमिट पर दबाएंगे आप तो आपका सक्सेसफुली आपका जो भी पासवर्ड होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। ठीक दोस्तों अब आपका पासवर्ड यहाँ पर सक्सेसफुली चेंज हो गया है। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।